आज हम सीखेंगे एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। यह एक मैक्रोलाइड टाइप एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो टेबलेट और सस्पेंशन दोनों ही फॉर्म में मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों, यह बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती है और उसके बाद इन्फेक्शन को खत्म करती है। एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए किया जाता है, जैसे माइल्ड ईयर इन्फेक्शन, मिडल ईयर इन्फेक्शन जो होता है उसको, जिसके दौरान मरीज के कान में सूजन आ जाती है, कान में दर्द होता है और बच्चों में कई बार इन्फेक्शन होने पर उसे बुखार भी आ सकता है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन दवा का प्रयोग किया जाता है। कई बार जुकाम होने के कारण जब खांसी चलती है और नाक में पानी बहता है तो उस कारण से भी कान में सूजन आ जाती है और कान में दर्द होता है, और इसके अलावा कान में तरल बहने लग जाता है, कुछ लिक्विड आता है, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी एजिथ्रोमाइसिन काफ़ी फायदेमंद है। यदि किसी मरीज को निमोनिया है, निमोनिया से वो ग्रसित है, जिसमें मरीज को खांसी चलती है, बुखार आता है, सांस लेने में उसको परेशानी रहती है, चेस्ट में पेन रहता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है। जब टॉन्सिल की शिकायत रहती है, गले में टॉन्सिल हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए भी आप इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। और साथ में यदि किसी मरीज को बुखार है, गले में खारापन सा महसूस हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, तो भी डॉक्टर द्वारा एजिथ्रोमाइसिन दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। ट्रेवल डायरिया करके बीमारी है, जिसमें यात्रा के दौरान दस्त लगने शुरू हो जाती है, उसका मुख्य कारण है इंटेस्टाइन और पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, उसको ठीक करने के लिए भी आप एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, मलेरिया का जो इलाज है, जिसमें हम क्लोरोक्विन और पैरासीटामोल टेबलेट देते हैं, उसके साथ कई बार एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट भी दी जाती है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम शॉर्ट में एसटीडी इन्फेक्शन कहते हैं, उसमें भी एजिथ्रोमाइसिन काफ़ी कारगर है। फीमेल्स में जब वेजाइनल डिस्चार्ज रहता है या बर्निंग यूरिनेशन रहता है, जो एसटीडी इन्फेक्शन का एक पार्ट है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन फायदेमंद है। इसकी डोज जो एजिथ्रोमाइसिन की है, इसके बारे में जानते हैं। जनरली एजिथ्रोमाइसिन की जो डोज है, पेशेंट की एज और वेट के अनुसार अलग अलग बीमारियों में अलग अलग रहती है, परंतु एडल्ट के लिए जो डोज कॉमन है, एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में एक बार पेशेंट को दी जाती है, और वो दिन 3 दिन या 5 दिन तक उसको बढ़ा के लिया जा सकता है। यदि इन्फेक्शन आपको कम है तो आप 3 दिन तक उस टेबलेट को लेते हैं, और इन्फेक्शन अगर ज़्यादा है तो 5 दिन तक आपको टेबलेट दी जा सकती है। एजिथ्रोमाइसिन को खाने के बाद भी लिया जा सकता है और खाने के आधे घंटे पहले भी लिया जा सकता है। और बच्चों को अगर कोई मेडिसिन आपको दे, दो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं दें, क्योंकि बच्चों का जो कैलकुलेशन है वो पीडियाट्रिशियन करके देते हैं। ये प्रेगनेंसी में सेफ मेडिसिन है। ब्रेस्ट फीडिंग में जो मदर है उनको भी आप ये एजिथ्रोमाइसिन आराम से दे सकते हैं। साथ ही ये आप अगर डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब करें, अगर आप उससे एलर्जिक हैं तो डॉक्टर को जरूर अवगत कराएं। साथ ही किसी भी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक से एलर्जिक हैं तो आप डॉक्टर को अवगत कराएं। लीवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तो भी आपको डॉक्टर को बताना अति आवश्यक है।